दोस्तों आज 26 अक्टूबर 2020 है और 27 अक्टूबर 2020 को 12,460 शिक्षक भर्ती का जो फाइनल केस है वह सुबह 10:30 बजे से 3 जजों के माध्यम से इसकी सुनवाई प्रारंभ होगी। यह पिछले ही महीने तय कर दिया गया था ललित सर के माध्यम से कि हम इस तारीख को फाइनल करेंगे। फिलहाल 3 जजों की यह बेंच है और यहाँ पर एक अच्छा निर्णय जीरो जनपद के पक्ष में आने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। जिस प्रकार से मैंने पहले भी आपको अपडेट दी है कि मोहित एंड टीम की तरफ से फीस और अन्य चीज़ों की तैयारी की जा रही है, केवल आपका साथ देना जरूरी रहेगा वहाँ पर। और कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है सभी सून जनपद के अभ्यर्थियों के साथ साथ जो भी 4000 से अधिक चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी, और साथ में उन अचयनित अभ्यर्थियों के लिए जो 51 जनपद से बचे हुए हैं। कुल मिलाकर जितने भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं जिनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए कल का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जिला वरीयता से संबंधित भी यहाँ पर कुछ चीज़ें रहेंगी, लेकिन उसे वापस किया गया है इलाहाबाद, लेकिन उसका यहाँ पर कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन ये जो सून जनपद का लगातार रहा है ये मैटर, ये कल की तारीख में समाप्त हो जाएगा। फिलहाल आज की तारीख में जो भर्तियाँ होती हैं उनमें सून जनपद का कोई महत्व ही नहीं रह गया है, कुछ ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन ये आपको यहाँ से एक अच्छा डिसीजन कल देखने को मिलेगा। तो आज शाम तक की जो भी अपडेट होगी अगले वीडियो में आपको डिटेल से बताई जाएगी और कल सुबह से सारी जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। इसके अलावा कोई आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट सेशन में अपनी बात जरूर लिखिएगा, हम जरूर वहां पर आपकी रिप्लाई मिल दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी सभी के रिप्लाई दिए जाएँ। और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुँचाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से दी जाएगी।